नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। शरद पूर्णिमा एक पावन मौका जब आपको वरदान मिलता है, लेकिन इसी दिन चंद्र ग्रहण भी है। अब जब ये दोनों अवसर एक साथ पड़ रहे हैं तो इसका क्या असर आपके जीवन पर होगा, और शरद पूर्णिमा पर जिस तरीके से अलग अलग उपायों के जरिए आप चंद्रमा को प्रसन्न करते हैं, क्या चंद्र ग्रहण लगने पर भी वो उपाय आप कर पाएंगे? ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज हम आप तक पहुंचाएंगे, कुछ खास उपाय भी आपको बताएंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुडलक मंत्र से। पंडित जी, अगर आपको मानसिक समस्या रहती हो या अवसाद रहता हो, डिप्रेशन रहता हो, किसी भी तरह की मानसिक समस्या हो या डिप्रेशन हो, तो पूर्णिमा के दिन उपवास रखिए, केवल लिक्विड ग्रहण करिएगा, फल कोई भी सॉलिड चीज ग्रहण मत करिए। पूर्णिमा के दिन लिक्विड लेकर के उपवास रखिए और रात में चंद्रमा को जल में सफेद फूल डाल करके अर्घ दीजिए। अगर आप ऐसा हर पूर्णिमा को करें तो आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा। और चलिए बात पंचांग की कर लेते हैं। तो 28 अक्टूबर का पंचांग क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। दिनांक 28 अक्टूबर 2023, दिन शनिवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, सुबह के 7:31 तक चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, सुबह 7:31 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9:00 से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब करते हैं चर्चा की शुरुआत। सबसे पहले हम पंडित जी से समझते हैं कि पूर्णिमा तो यूं ही खास होती है, ऐसे में शरद पूर्णिमा इस तिथि का महत्व हम कैसे समझ सकते हैं पंडित जी? जी देखिए, हिंदू पंचांग की बात करें तो 12 महीने होते हैं और साल भर में लगभग 12 पूर्णिमा आती है। हर पूर्णिमा अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन शरद पूर्णिमा को अमृत देने वाली पूर्णिमा कहा जाता है और सारी पूर्णिमा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। शरद ऋतु की पूर्णिमा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसा मानते हैं कि इसी तिथि से शरद ऋतु का आरंभ होता है। चंद्रमा इस दिन संपूर्ण होता है 16 कलाओं से युक्त, और इस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है और इस अमृत से धन, प्रेम और स्वास्थ्य तीनों प्राप्त होता है। चूंकि शरद पूर्णिमा का चंद्रमा प्रेम और कलाओं से परिपूर्ण माना जाता है, इसीलिए भगवान कृष्ण ने इसी दिन महारास रचाया था। भगवान कृष्ण का महारास एक बड़ी अभूतपूर्व घटना है और वो घटना हुई थी शरद पूर्णिमा के दिन। शरद पूर्णिमा पर विशेष प्रयोग करके आपको बहुत अच्छा स्वास्थ्य मिल सकता है, प्रेम मिल सकता है और बहुत सारे धन का वरदान पाया जा सकता है। लेकिन शरद पूर्णिमा पर जब आप प्रयोग करेंगे तो कुछ नियमों का और कुछ सावधानियों का पालन करेंगे। शरद पूर्णिमा के साथ
थोड़े नियमों को समझना जरूरी है, थोड़ी सावधानियों का पालन भी जरूरी है। इस बार शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को है, जिस महान पर्व को हम सब नियमों के हिसाब से और स्थितियों के हिसाब से मनाएंगे। जी हाँ, तो शरद पूर्णिमा और इस दिन लगने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में हम आगे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उसके पहले राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, जान लेते हैं। मेष राशि, स्वास्थ्य की मुश्किलें थोड़ी सी कम होंगी और अब आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। धन लाभ के योग भी आपके लिए बन रहे हैं और आपके परिवार में खुशहाली आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं। संतान पक्ष पर ध्यान बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनय शराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन का आपको लाभ होगा, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, राशियों पर चर्चा आगे जारी रहेगी, लेकिन उसके पहले शरद पूर्णिमा तिथि को लेकर लेते हैं पंडित जी से जानकारी। तो शरद पूर्णिमा कितना विशेष है ये तो आपने पंडित जी से जाना, लेकिन कुछ सावधानियां भी हैं इस दिन को लेकर, कुछ नियम कायदे भी हैं इस तिथि को लेकर। तो इस दिन किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, पंडित जी से समझते हैं। देखिए, शरद पूर्णिमा पर आपको अमृत की प्राप्ति हो सकती है, अमृत तत्व की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए उस तत्व को ग्रहण करने के लिए आपको अपने आप को तैयार रखना होगा। शरद पूर्णिमा पर पूरी तरीके से जल और फल ग्रहण करके उपवास रखने का प्रयास करिएगा। हो सकता है आप उपवास न रख पाए, तो उपवास रखें या न रखें, लेकिन इस दिन सात्विक आहार ही ग्रहण करिएगा। प्याज लहसुन आदि का प्रयोग मत करिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। शरीर आपका जितना शुद्ध होगा, जितना खाली होगा, जितना सात्विक होगा, आप ज्यादा बेहतर तरीके से अमृत की प्राप्ति कर पाएंगे। शरद पूर्णिमा का दिन आनंद का दिन है, इसीलिए इस दिन काले रंग का प्रयोग ना करें, चमकदार सफेद रंग के वस्त्र धारण करें या ब्राइट कलर के अगर कपड़े पहने तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। शरद पूर्णिमा पर उपवास रखना सबसे ज्यादा बढ़िया है।
लेकिन अगर आप उपवास नहीं रख पाते तो पवित्रता और सात्विकता रखिए और शरद पूर्णिमा पर मुख्यतः माता लक्ष्मी की पूजा होती है या परंपरा के अनुसार भगवान कृष्ण की पूजा होती है, तो आप इनकी पूजा करें और पवित्र भाव से अमृत ग्रहण करने का प्रयास करें। जी हाँ, तो ये बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है शरद पूर्णिमा के दिन। इस पर आगे और चर्चा करेंगे, कुछ उपायों की ओर भी बढ़ेंगे। उसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है जान लेते हैं। कर्क राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी मनोरंजक यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। धार्मिक कार्य में आपकी व्यस्तता रहेगी। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। करियर का तनाव आपके दूर होगा। इस समय आपकी धार्मिक यात्रा हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। धन की हानि से बचाव करें। बढ़ती जिम्मेदारियों से परेशान ना हों। शनि मंत्र का अगर जप करें ओम शं शनैश्चराय नमः तो दिन की मुश्किलें काफी हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब आपके सवालों का हम रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में आज पहला सवाल कहां से आया है जान लेंगे हम पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न दिवित मल्होत्रा जी के परिवार से आया है। दिवित की जन्म तारीख है 8 अप्रैल 2006। 8:11 रात को जन्म स्थान है दिल्ली। ये लोग पूछ रहे हैं कि दिवित का वर्तमान समय कैसा है, राहु की दशा उसकी चल रही है, क्या उसके लिए कोई विशेष उपाय जरूरी है। देखिए, दिवित की कुंडली बनती है तुला लग्न की और कर्क राशि की। महादशा शुक्र की और अंतरदशा राहु की चल रही है सितंबर 2024 तक। राहु की दशा में सेहत में दिक्कतें ना हो, किसी गलत रास्ते पे भटकाव ना हो, पेट को लेके या आंखों को लेकर के समस्या ना हो, इसका ध्यान बनाए रखना जरूरी है। और राहु के दशा के लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। राहु की दशा से निपटने के लिए माता पिता में से कोई भी इस बच्चे के लिए रोज सुबह शाम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें और हर शनिवार को खाने पीने की चीज का दान करें। ऐसा करने से इनका समय बेहतर हो जाएगा।
जी हाँ, तो इन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम दूसरा सवाल लेंगे, लेकिन उसके पहले आपको याद दिलाते चले कि अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप इसके लिए हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो दूसरा सवाल आज का कहां से आया है पंडित जी? जी, आज का दूसरा प्रश्न पलक जी ने हमें लिखा है, गाजियाबाद से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 24 फरवरी 2005, शाम को 6:21, मोदी नगर गाजियाबाद। ये कह रही हैं कि मैं मेडिकल की तैयारी कर रही हूँ, क्या ये करियर मेरे लिए सही है और मेरा भविष्य इस करियर में कैसा होगा? पलक, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और सिंह राशि की, महादशा सूर्य की, अंतर दशा बृहस्पति की चल रही है। पलक, आपको बता दें कि आपके लिए मेडिकल का क्षेत्र बिल्कुल उपयुक्त है। अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में प्रयास करना चाहती हैं तो आप प्रयास कर सकती हैं। आपका सिलेक्शन अच्छे सरकारी कॉलेज में मेडिकल में जरूर हो सकता है। कुंडली की मुश्किल सिर्फ इतनी है कि कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता की समस्या दिखाई देती है, जिसको बेहतर करने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो देखिए, आपकी एकाग्रता बेहतर हो, आपका करियर बेहतर हो, इसके लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा जल प्लेन वाटर, और सुबह शाम दोनों समय 27-27 बार गायत्री मंत्र का जप आपको करना चाहिए। अगर ये उपाय आप नियमित रूप से करें तो इससे आपको सफलता मिलेगी और आप मेडिकल में सफलता पा सकेंगी। तो पंडित जी ने आपको जो उपाय बताए हैं, जरूर इनको आजमाइएगा। अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से शरद पूर्णिमा को लेकर पंडित जी से जानकारी लेते हैं। तो जैसा कि शुरुआत में ही पंडित जी ने जानकारी दी, इस दिन न सिर्फ आपको धन मिलता है बल्कि अच्छे स्वास्थ्य का, सुख संपत्ति का भी वरदान आपको मिलता है। तो अगर आप सेहत में सुधार चाहते हैं, इस वरदान के लिए आप कौन सा उपाय अपना सकते हैं, पंडित जी से लेंगे जानकारी। देखिए, शरद पूर्णिमा पर मोटे तौर पर खीर बनाई और खाई जाती है और ऐसा मानते हैं कि उस खीर को खाने से लंबी आयु की प्राप्ति होती है, व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है। लेकिन इसका एक सिस्टम है जिसको करने से आपको अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलेगा। रात के समय में स्नान करके गाय के दूध में जरा सा घी मिला करके खीर बनाइएगा, चावल की खीर बनाना बेहतर होगा। खीर को भगवान को अर्पित करके विधिवत भगवान कृष्ण की पूजा करिएगा। मध्यरात्रि में जब चंद्रमा पूरी तरह से उदित हो जाए, जब चंद्रमा पूरी तरह से निकल जाए, तब चंद्रदेव की उपासना करिएगा। इसके बाद चंद्रमा का मंत्र है, ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का जप करिएगा। खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिएगा। बेहतर होगा कि खीर को कांच के पात्र में, मिट्टी के पात्र में या चांदी के पात्र में ही रखिएगा। अन्य धातुओं का प्रयोग ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। प्रातः काल सुबह सूर्योदय के साथ जितनी जल्दी इस खीर का सेवन करें उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा। वैसे नियम ये कहता है कि इस खीर का सेवन भोर में करना चाहिए, सूर्योदय के पहले। अगर भोर में सूर्योदय के पहले इस खीर का सेवन किया जाए तो अमृत तत्व की प्राप्ति होती है और अमृत तत्व की प्राप्ति होने से आपका स्वास्थ्य, आपका जीवन बेहतर होता है।
तो कुछ इस तरीके से शरद पूर्णिमा के दिन आप खीर का सेवन करें और आपको अद्भुत लाभ होगा। चलिए आगे इस पर चर्चा करें, उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या है ये जान लेते हैं। तुला राशि, स्वास्थ्य का मामला आपका पहले की तुलना में बेहतर होता दिख रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर तनाव मत पालिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, काम में सफलता मिलेगी, शिक्षा प्रतियोगिता में आपको लाभ होगा, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, मानसिक तनाव कम होगा, ऑफिस की समस्या आपकी हल होगी, लंबी यात्रा के योग इस समय बन सकते हैं। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब अंतिम तीन राशियां बची है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उसके पहले पंडित जी, हम शरद पूर्णिमा को लेकर तो आपसे जानकारी ले रहे हैं, लेकिन इस बार एक संयोग बना है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण है, तो क्या इस बार भी शरद पूर्णिमा का पर्व ठीक वैसे ही मनाएंगे जैसे मनाते हैं, या कुछ बातों का खास तौर पर ध्यान रखेंगे? देखिए, शरद पूर्णिमा पर जब मध्य रात्रि को खीर रखी जाती है तो इस बार उस समय पर चंद्रमा पर ग्रहण लगा होगा, तो ग्रहण के चंद्रमा से अमृत की वर्षा तो होगी नहीं, और ग्रहण के चंद्रमा में खीर रख के ग्रहण कर भी नहीं सकते, तो क्या परिवर्तन करेंगे? बेहतर होगा कि खीर ग्रहण के आरंभ होने के पहले बना लें। 28 अक्टूबर की रात में लगभग 11 बजे से ग्रहण शुरू हो रहा है, तो आप 11 बजे के पहले खीर बना लीजिए। खीर बनाने के बाद उसमें तुलसी के 2-4 पत्ते डाल करके खीर को सुरक्षित रख दीजिए। ग्रहण समाप्त होगा 28 अक्टूबर की मध्य रात्रि के बाद, यानी 29 तारीख को अर्ली मॉर्निंग 3:25 के आसपास। तो जब 28 की मध्य रात्रि को 3:25 पर ग्रहण समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आप खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए। ग्रहण के दौरान तो देखिए खाना पीना भी मना होता है, तो ग्रहण के दौरान खीर को चंद्रमा की रोशनी में बिल्कुल मत रखिएगा। ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद खीर, या बहुत सारे लोग सफेद मिठाई रखते हैं वो भी आप रख सकते हैं, लेकिन 28 तारीख की मध्य रात्रि 3:25 के बाद। सुबह स्नान करने के बाद तब जाकर के आप इस खीर को ग्रहण करेंगे,
और ये बिल्कुल अमृत तत्व वाला लाभ आपको देगी। लेकिन निवेदन ये है कि ग्रहण काल में खीर मत रखिएगा। ग्रहण काल में जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें तुलसी के पत्ते डाल दिए जाते हैं ताकि वो निगेटिव ऊर्जा ग्रहण ना करे। और अगर आप ग्रहण काल में चंद्रमा के प्रभाव में खीर रखेंगे तो वो नकारात्मक ऊर्जा बहुत सारी ले सकती है। तुलसी के पत्ते होंगे उसमें, लेकिन बावजूद इसके डायरेक्ट चंद्रमा के प्रभाव में मत डालिएगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद आप खीर को रखिएगा और अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद इस खीर को ग्रहण करिएगा। तो ये तमाम बातें इस बार आपको शरद पूर्णिमा और उसी दिन लगने वाले चंद्र ग्रहण के दिन ध्यान में रखनी है और इस तरीके से लाभ उठाना है। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि की करते हैं चर्चा और जान लेते हैं इन तीनों राशियों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, मन आपका परेशान दिख रहा है, मानसिक चिंता हो सकती है। यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा में सावधानी रखें और अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, महत्वपूर्ण काम इस समय निपटा लेना बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर की तमाम रुकावटें दूर होंगी। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का एक बार फिर से रुख करते हैं। तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से आया है, जानते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न हमें अमित पाल जी ने लिखा है, हरियाणा से लिखते हैं ये। 11 अक्टूबर 1996 का जन्म है, 4 बजे शाम का, यमुनानगर हरियाणा। ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं गायन के क्षेत्र में, सिंगिंग के क्षेत्र में करियर बना सकता हूँ? मेरा विवाह कब होगा, लव मैरिज होगी या मेरी अरेंज मैरिज होगी? अमित, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और आपकी राशि बनती है कन्या। महादशा राहु की और अंतरदशा केतु की फिलहाल चल रही है। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में गाना एक शौक हो सकता है, एक हॉबी हो सकती है, लेकिन सिंगिंग आपका करियर नहीं होगा। और जहां तक आपके विवाह का प्रश्न है, आपका विवाह वर्ष 2024 के अंत में होने की संभावना बनती है और ये विवाह आपका अपनी इच्छा से होगा, जानी पहचानी बालिका के साथ,
जिसमें परिवार वालों की सहमति रहेगी। क्या उपाय करना चाहिए? अपने करियर के लिए और अपने बेहतर विवाह के लिए एक ओपल बनवा के पहन लें। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करेंगे और रोज सुबह एक बार भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के आखिरी सवाल का। इसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिलाते चलें कि आप भी हम तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उसे कर लें नोट डाउन। तो आज का चौथा सवाल पंडित जी कहां से आया है? जी आज का अंतिम प्रश्न पूर्वी जी ने हमें लिखा है, राजस्थान से। 14 अक्टूबर 2004 का जन्म है, 12:02 दोपहर में जयपुर राजस्थान। ये कह रही हैं कि मैं प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रही हूँ, क्या मुझे उसमें सफलता मिलेगी? मेरा भविष्य कैसा रहेगा? मेरी माता जी का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए मुझे कौन से उपाय करने चाहिए? पूर्वी आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है कन्या। महादशा राहु की और अंतरदशा सूर्य की आपकी चल रही है। बिल्कुल आप यूपीएससी की प्रशासनिक सेवा की तैयारी करिए। कम से कम उम्र के 25वें-26वें साल के आसपास, यानी 2028-2029 के आसपास आपके सिलेक्शन के योग बनते हैं अगर आप प्रयास करती हैं तो। प्रशासनिक सेवा के लिए बिल्कुल लगे रहिए। दूसरी बात यह है कि आपकी माता के स्वास्थ्य के लिए अभी 2023 और 2024 अच्छा नहीं है। उनको हड्डियों की समस्या या हृदय से संबंधित समस्या ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए और जीवन को अच्छा करने के लिए एक मूंगा बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार को प्रातः मूंगा बनवा के पहनिए और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। माता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए रोज सुबह अपनी माता जी के नाम से एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपको भी सफलता मिलेगी और आपकी माता जी का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। पंडित जी, इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का भी संयोग है, तो अमूमन पूर्णिमा जैसी तिथि पर हम भगवान श्री कृष्ण या माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, क्या इस बार ऐसा कर पाएंगे क्योंकि ग्रहण भी है? देखिए, ग्रहण काल में सारे मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं और सामान्यतः ग्रहण काल में मूर्ति पूजा नहीं की जाती। ग्रहण काल में आपको जो भगवान का नाम जप करना है, जो उनके नाम मंत्र का जप करना है, वो उनके नाम का जप कर सकते हैं या भजन कीर्तन कर सकते हैं, उससे आपका कल्याण होगा। तो अगर आप माता लक्ष्मी का मंत्र जपना चाहते हैं तो आप मन में जपते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उनके चित्र के सामने दीपक जला के मंत्र जपना चाहेंगे तो वो संभव नहीं है। आप मन में आराम से घर में बैठ के माँ लक्ष्मी के मंत्र का या भगवान कृष्ण के मंत्र का या उनके नाम मंत्र का जप ज़रूर कर सकते हैं। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब आप अगर संभव हो तो स्नान करें या हाथ पैर धो करके वस्त्र बदल लें। इसके बाद अगर आप चाहें तो मंदिर की सफाई करने के उपरांत आप जिस तरह से चाहें उस तरह से पूजा कर सकते हैं। लेकिन ग्रहण के दौरान आपको केवल नाम मंत्र का मानसिक रूप से जप करना है या भजन कीर्तन करना है, जो सामान्य तरीका पूजा का होता है उस तरीके से ग्रहण के दौरान पूजा नहीं करेंगे।
और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 28 अक्टूबर को पड़ता है। सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे, और पंडित जी से जान लेते हैं आपका आने वाला साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 28 अक्टूबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। करियर में आपके बड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर धन की स्थिति आपके लिए ठीक बनी रहेगी। साल के अंत में आपके स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। क्या करेंगे, पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो पूरा वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की, और जिज्ञासा में सवाल यह है पंडित जी कि किसी भी तरह के ग्रहण को देखना अशुभ माना जाता है। सूर्य ग्रहण तो खैर देख भी नहीं सकते नंगी आंखों से, तो कोई भी ग्रहण देखना क्या अशुभ होता है? देखिए, जैसा सुनीता ने कहा कि सूर्य ग्रहण को देखने के लिए आपको विशेष तरह के चश्मे की आवश्यकता है, फिल्टर की आवश्यकता है, नंगी आंखों से नहीं देख सकते, चंद्र ग्रहण आराम से देख सकते हैं। ग्रहण एक खगोलीय घटना है, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, जिसका व्यक्ति पर प्रभाव जरूर पड़ता है। सामान्यतः अगर आप ग्रहण देख लेते हैं तो ग्रहण देखने का दुष्प्रभाव नहीं होता, लेकिन जब आप ये सोच करके ग्रहण देख लेते हैं कि इसका प्रभाव बुरा होगा, इसका प्रभाव निगेटिव होगा, मन में नकारात्मक विचार रख करके अगर आप ग्रहण देखेंगे तो आपको नुकसान होगा। सकारात्मक पॉजिटिव माइंड से अगर आप ग्रहण देखते हैं या देख लेते हैं तो उसको देखने से नुकसान नहीं होता। और चलिए अब बात शुभ पहर की करते हैं, तो 28 अक्टूबर के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा होगा पंडित जी? 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है रात के 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में अधिक से अधिक शिव मंत्र का जप करिएगा, खूब खूब नमः शिवाय का जप करिएगा। ऐसा करने से आपके ऊपर ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है कुंभ राशि, और कुंभ राशि के बारे में पंडित जी क्या जानकारी लेकर आए हैं जान लेंगे। हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के रिश्तों के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के पास जीवन में हमेशा अच्छे रिश्ते रहते हैं, लेकिन ये लापरवाही के चक्कर में रिश्तों को निभा नहीं पाते। अगर आपको रिश्तों की समस्या हो रही है, आपकी राशि कुंभ है, तो हनुमान जी की पूजा करें, आपके रिश्तों की समस्या दूर होगी। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जानने का, तो महा उपाय में आप सबके लिए पंडित जी आज क्या खास लेकर आए हैं जानते हैं उनसे। जी, बहुत सारी घर की महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी घर की महिला का स्वास्थ्य अच्छा हो तो क्या करेंगे, शरद पूर्णिमा की रात को माता लक्ष्मी को पीले धागे अर्पित करिएगा। इसके बाद मां लक्ष्मी का बीज मंत्र है श्रीं, इसको कम से कम 108 बार जपिएगा, और मध्य रात्रि में ही ये धागा घर की महिलाओं की कलाई में बांध दीजिएगा या अगले दिन प्रातः काल बांध दीजिएगा।
ये प्रयोग आप शरद पूर्णिमा की रात में ग्रहण समाप्त होने के बाद करेंगे। ग्रहण काल में सामान्य देवी देवताओं के चित्र की या मूर्ति की पूजा नहीं होती, इसीलिए ग्रहण काल समाप्त होने के बाद ही आप ये उपाय करेंगे तो आपको लाभ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम महा उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात करते रहेंगे, अलग अलग विषयों पर चर्चा भी जारी रहेगी हमारी। फिलहाल शो में इतना ही, देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।